हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल संगीता श्रीवास्तव। और ये 8 तारीख की मॉर्निंग का शूट है। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं आ चुकी हूँ स्टेशन और टिकट वगैरह मैंने ले ली है और अभी मैं बैठी हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बांदा के, और मुझे जाना है कानपुर। तो ये कानपुर जाने से पहले का मैं आपको स्टेशन का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए, अभी सूर्य भगवान भी ढंग से नहीं निकले, यानी निकले ही नहीं, अभी तो हल्का सा अंधेरा ही है। और हमारी ट्रेन है 7 बजे की, तो बस अभी हमारी ट्रेन भी आने वाली है और उसी का मैं वेट कर रही हूँ। और अभी आगे ब्लॉग में देखने को आपको मिलेगा मेरी कानपुर की यात्रा। आज मैं गई थी कानपुर। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी फिर आगे दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ट्रेन हमारी आ चुकी है और सीट भी मुझे मिल चुकी है और अब ट्रेन चल दी है बांदा से। और यहाँ स्टेशन पे बैठे तो इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और मुझे ठंडी लगने लगी, तो फिर मैंने ये शॉल ओढ़ लिया और बस यहाँ से शुरू हो गया है हमारा सफ़र। अब बांदा ट्रेन से चल दी है, विंडो वगैरह मैंने पूरी बंद कर ली है। और फ्रेंड्स, ट्रेन हमारी अब हमीरपुर से आगे निकल आई है। आधे से ज़्यादा हमारा सफ़र अभी तय हो चुका है और अभी हल्की हल्की सी धूप निकल आई है। बाकी तो रास्ते में इतना ज़्यादा कोहरा खेतों में दिख रहा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अब ये जब हम हमीरपुर पहुंच रहे हैं तो यहाँ हल्की सी धूप निकली है और बस अभी हम कानपुर भी पहुँचने ही वाले हैं। तो 12 बजे तक मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं पहुँच जाऊँगी। एक्चुअली जाना है मुझे अपनी ननंद के घर। तो ये है मेरी ननंद रानी भाई, आ गए हैं इन्हीं के घर में अभी हम। तो जी अभी उमा नाम है ननंद का मेरी, कानपुर में रहती हैं ये। अभी मेरे भांजा और भांजी गए हैं स्कूल, तो अभी तो वो आए नहीं है। जब वो आएंगे तो फिर उनसे भी मिलवाऊंगी और अपने नंदोई जी से भी मिलवाऊंगी। तो अभी मिलिए आप मेरी ननंद से। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो तो उमा को अच्छे से पहचानते हैं, पर जो लोग नए जुड़े हैं तो वो उनसे मैं आज मिलवा रही हूँ। तो उमा जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मिलिए मेरे देवर जी से। ये मेरे रियल देवर हैं, हस्बैंड मेरे हैं। दो भाई, वो बड़े हैं और ये हैं छोटे। तो आज मैंने आके इनको पकड़ा है कानपुर में। 6 महीने से ये हाथ नहीं आ रहे थे, दिल्ली में रहते हैं। बांदा आने का तो इनका मन नहीं करता और मुझे पता चला ये आए हैं कानपुर। तो देखिए, मैं इनसे मिलने आई हूँ कानपुर। और आप कुछ कहना चाहेंगे देवर जी? हाय कर रहे हैं सबको। और भैया का भी मेरे यूट्यूब चैनल है न्यूज़ का, अस्तित्व नेशनल न्यूज़। आप लोग एक बार जाके ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें खेल जगत की, पॉलिटिक्स की, सब तरह की मिलेंगी। गॉसिप वगैरह, बॉलीवुड, सब आपको देखने को मिलेगा उसमें। इससे अच्छा गॉसिप नहीं मिलेगा जो चल रहा है। अरे तो क्या हुआ, उसका लेवल अलग है। ये सबसे अच्छा गॉसिप है। हाँ, उसका लेवल अलग है। तो फ्रेंड्स, एक बार मतलब जो मुझे जानने वाले हैं वो तो सब इनके सब्सक्राइबर हैं, पर जिन्होंने नहीं देखा तो वो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो इन्हीं से मिलने में आई थी और अभी ये बिल्कुल ब्लॉग में ऐड होने के बिल्कुल मूड में नहीं थे, तो मैंने कहा आप जिस हाल में हैं मैं आपको वैसे ही दिखा दूँगी। इसीलिए हाल चूंकि बुरा है इसलिए जो है ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। भैया हमारे बहुत फेमस हैं, पीएम, सीएम और अभिनेत्रियों और क्रिकेटर सबके इंटरव्यू उन्होंने लिए हुए हैं। बहुत एक्सपीरियंस है इनको यूट्यूब में काम करने का और न्यूज चैनल में भी करते हैं। भैया आपका पद क्या है, मुझे अभी भी कन्फर्म नहीं, एक बार बता दीजिए। स्ट्रीट जर्नलिस्ट। स्ट्रीट जर्नलिस्ट, अच्छा। वो आप न्यूज चैनल का नाम है न्यूज वन इंडिया और यूट्यूब चैनल का नाम है अस्तित्व नेशनल न्यूज। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं मेरे देवर जी। आप कुछ बातें करना चाहेंगे किसी? बस कुछ नहीं, सिर्फ एक अपील है कि सभी लोग, जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, संगीता श्रीवास्तव के ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं अपनी ननंद के यहाँ और यहीं पे मुझे आना था। अभी आपने देखा स्टेशन का व्यू, मैंने अभी आपको एक दिया। अभी मैं 12 बजे यहाँ पहुँच गई थी और ये मिलिए मम्मी जी से।
सासू माँ है मेरी नजरानी की, तो मम्मी है हमारी कान्हा जी की भक्त और जाती हैं हर महीने वृंदावन। मम्मी हर महीने वृंदावन जाती है कुछ है? मैं तो हर महीने वृंदावन जाती हूँ। हाँ, कान्हा जी की सेवा करती हैं मम्मी। कान्हा जी की सेवा में बस उन्हीं में हमको रहना है, आना जाना हमारा वृंदावन है। मम्मी हम लोग तो बस सोचते ही रह जाते कभी कभार जाना हो पाता है, पर रुकने की व्यवस्था भी हम लोगों ने बना ली है। हम लोग करीब 7-7 सहेलियाँ हैं और वहाँ पे रुकते हैं, बंसीवट में रुक जाते हैं, कभी एकता सदन रुकते हैं, अपना भी हम लोग बना रहे हैं वहाँ पे। कोशिश की है हम लोगों ने, एक कमरा बनवाया है वहीं पर, तो ये आप लोगों का आश्रम के काम में भी आएगा। हम लोग जब कभी जाएंगे तो वहाँ रुकेंगे भी, अच्छा बहुत लगता है। बिहारी जी के मंदिर में चले जाए तो भीड़ तो होती ही होती है। मम्मी ने अपना एक ध्येय बना रखा है कि हमें हर महीने जाना है, तो वो भगवान पूरा करते हैं। तो ये हैं मम्मी जी, और जुड़ना चाहिए ना भक्ति में, हाँ। थोड़ा आना चाहिए, हाँ जरूरी है। आजकल इसी का युग है, इसी में जिंदगी है, इसी में सब कुछ है। तो ठीक है, और मम्मी और सब ठीक है? हाँ और सब ठीक है। तो ठीक है गाइस, ये थी बिहारी जी की कृपा। तो राधे राधे राधे। ये ओमी और वंशु अभी आ चुके हैं स्कूल से, अभी तक घर में नहीं थे। हाय ओमी। हेलो। हेलो वंशु। हेलो। तो अभी अभी बिल्कुल आए हैं स्कूल से, तो अब होंगी हम लोगों की बातें शातें। मिलिए, ये हैं मेरे नंदोई जी, उमा के हस्बैंड हैं, अभी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, तो मैंने इनको जबरदस्ती पकड़ा, ये मेरे हाथ नहीं आ रहे थे। देखिए आपको लग रहा है पकड़ा है, दोनों हाथ इनकी कहां पे है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, तो मैंने कहा पहले आप मेरे वीडियो में ऐड हो जाइए, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी उमा थाली लगा के ले आई है खाने की, और उसने बनाई थी बहुत ही टेस्टी सी पनीर की सब्ज़ी। तो बस मेरी थाली वो अभी लगा के मुझे दे गई है, और अभी बस मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो अब मैं थोड़ा बहुत ये खाऊंगी, और ट्रेन में तो मैंने पूरी सब्ज़ी खा ली थी, तो अभी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो बस ये दो रोटी अभी ले आई है उमा, और पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनाई थी उमा ने। फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ अपनी ननंद रानी के साथ टहलते हुए सबसे ऊपर वाली छत पे, ये देखो मुझे चौथी मंजिल में चढ़ा के ले आई है, और अभी मेरी सांस भी फूलने लगी है। और यहाँ ये देखिए नीचे यहाँ पे बीच वाली छत में काफ़ी सारे पेड़ पौधे, फूल पत्ती, शमी वगैरह, तुलसी सब लगी हुई है। और ये देखिए सबसे ऊपर वाली छत में मैं आ गई हूँ, और यहाँ से व्यू बहुत ही, सिर्फ घर ही घर दिख रहे हैं। ये एरिया है राजीव नगर, हाँ राजीव नगर कॉलोनी है ये, गुरुदेव पैलेस के आसपास का एरिया है ये। तो आज देखिए मेरा वापस निकलना हो पाता है कि नहीं, वैसे तो मुझे जाना था अब, लेकिन देखिए अगर जा पाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी तो आज मैं हूँ कानपुर में। तो अपनी ननंद जी की घर के सबसे ऊपर छत से मैं दे रही हूँ वहाँ के आसपास का एक व्यू। ये आ गई, और आज ही ओमी लेके आए हैं भांजे मेरे अपनी नई साइकिल। ओमी कितने की पड़ गई ये? 6200 की। 6200 की नहीं, 6,02,000 बताई थी 65 की। अच्छा पड़ी है 62 की। कंसेशन करा लिया तुमने, बढ़िया लग रही है, माला पहना जाए काफी वक्त से सब करा के। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब है घर जाने की तैयारी। 7 बजे मैं स्टेशन पे आ गई हूँ, और ये ट्रेन बस आने ही वाली है, और 11 बजे तक पहुँच जाऊँगी मैं बांदा। तो अपने वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।